बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आज तक सबसे आगे सबसे तेज। तो उड़ा दो सालों को, खत्म करो, मुसलमानों को जड़ से ही मिटा दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हो मेवात आज तक। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि ये इतना शेयर होना चाहिए वीडियो, ताकि ये वीडियो हर समझदार हिंदू या फिर सरकार के नुमाइंदों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि इसमें एक भांड को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भांड बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और किस तरीके से भांड मुसलमानों के बारे में बदतमीजी कर रही, मुसलमानों को मिटा देने की बात कर रही है। और अभी तक मुझे लगता है कि इस भांड को बिल्कुल भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया होगा। यदि इस तरीके के अल्फाज कोई मुस्लिम लेडीज़ या फिर जेंट्स अगर यूज कर लेता, तो ज़रूर वो देशद्रोही और उसे गद्दार साबित कर देते, और वो सलाखों के पीछे चला जाता, या फिर उसको जैन से ही मार देते। तो ये हमारे देश का रवैया चल रहा है। इसमें बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है, ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करनी मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जब सरकार के सामने हम रखेंगे तो ही सरकार को पता लगेगा कि इस तरीके का माहौल भी हमारे देश में कुछ लोग फैला रहे हैं। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें, शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, क्या मुसलमानों के बारे में इस तरीके के अल्फाज यूज करना क्या जायज़ है, क्या आपको शोभा देते हैं, और अगर नहीं देते तो फिर, अगर जायज़ नहीं है तो फिर इस लेडीज़ के लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए, वो भी आप कमेंट करके राय बताएं। चलिए पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें वो मुसलमानों को ख़त्म कर देने की बात कर रही है। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है, कश्मीर में सबको उड़ा दो सड़कों, कलेशी खत्म। तो दोस्तों देखा किस तरीके से ये भांड औरत, ये बेशरम औरत देश का माहौल खराब करने के लिए हंस रही है और मुसलमानों को खत्म कर देने की बात कर रही है। ठीक है, तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या तो तुम्हारा बिगाड़ा है, और अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को तू खत्म करने की बात कर रहे, तो बेशरम गद्दार औरत, देशद्रोही है तू, तेरे लिए अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि तू हमारे धर्म के बारे में या फिर हम मुसलमानों के बारे में इस तरीके के अल्फाज यूज करे। तू कोई वेश्या है, 100% तू कोई वेश्या है, और इस देश की गद्दार औरत है। तेरे जैसी को सलाखों के पीछे हम भिजवा कर रहेंगे यदि हमें तेरा एड्रेस मालूम पड़ जाए। और इतना शेयर करो इस वीडियो को जो इस बेशरम औरत तक ये वीडियो चली जाए। और हाँ, मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। बेगैरत औरत हिंदुस्तान के मुसलमान गद्दार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के गौरव है। हिंदुस्तान का सीना चौड़ा होता है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। आज जो भी कुछ दिया है बेशरम औरत हिंदुस्तान के लिए, वो हिंदू भाइयों से ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। ये हिंदू भाई भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है, लेकिन तेरे जैसी 2 कोटी की वेश्या इस देश के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं, जो मन में आया कुछ भी बोल देते हैं। इस साथ नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरीके की भांड औरत हो या फिर जेंट्स हो, ऐसे गद्दार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये देश का माहौल ख़राब ना करे। और कोई भी भाई मेरी इस वीडियो को ये ना सोचे कि अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, या फिर मैं पैसे कमाने की नीयत से, या फिर चैनल को हाईलाइट करने की नीयत से ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और मीडिया का नाम ही आईना है। हम बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो पहले ही सोशल मीडिया के कई साइटों पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये वायरल वीडियो ही मैंने ली है, तभी मेरे पास भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए और एक संदेश चला जाए कि ऐसी भांड औरतों पर लगाम कसनी चाहिए। तो दोस्तों, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के लिए मेरा सलाम, बने रहिए मेवात आज तक के साथ।